Hello everyone, today we will discuss about the poem The Doubt written by the great Indian poet Kamala Das. जो poem है The Doubt, ये Kamala Das की popular poems में से एक है. Kamala Das जो है एक truly poet है of human body की, और उनका जो theme होता है वो मैन वुमेन रिलेशनशिप है उनकी पोइट्री में. उनकी जो पोइट्री है उसमें क्लियरिटी रहती है एंड सच्चाई रहती है, जो कि पढ़ने में रुचिकर है. और जिन जिन विषयों पर भारतीय संदर्भ में चर्चा करना भी निषेध है उनके बारे में बहुत ही खुलेपन से बात करती है. वे एक आत्म स्वीकारोक्ति करने वाली पोइटेस है जो हमसे कुछ भी छिपाती नहीं है, गोपनीय नहीं रखती है. उनकी लगभग सभी कविताओं में आत्म जीवन संबंधी बातें हैं. वे मुख्य रूप से स्त्रियों की इच्छाओं की कवि है. इससे भी ऊपर वे प्रेम, वासना और यौन संबंधों की कवि हैं. उनकी कविताओं में प्रेम के विषय के साथ साथ ह्यूमन बॉडी का भी विषय जुड़ा हुआ है. तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. द डाउट, जो पोइटेस है वो एक डाउट में रहती है, उस चीज़ से कभी वो क्लियर नहीं हो पाती है. व्हेन ए मैन इज डेड और ए वुमेन, वी कॉल द कॉप्स नॉट ही और शी बट इट. कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो, या फिर किसी औरत की मृत्यु होती है तो जो कॉर्प्स का मतलब होती है लाश, डेड बॉडी, कि हम उस डेड बॉडी को ना तो ही बोलते हैं ना शी बोलते हैं, बल्कि उसे हम इट से संबोधित करते हैं. तो हम उसे इट क्यों बोलते हैं? डज इट नॉट मीन दैट वी बिलीव दैट ओनली द सोल्स हैव सेक्स एंड दैट सेक्स इज इनविजिबल. पोइटेस कहती है कि इसका मतलब ये है कि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि केवल जो सोल्स होती है, आत्माएं होती हैं, के सेक्स होते हैं, एंड सेक्स जो है वो इनविजिबल होते हैं. और वो आत्मा, जैसे आत्मा अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है, वैसे ही वो होते हैं. देन द क्वेश्चन इज, अब प्रश्न ये है, पोइटेस बोलती है कि हु इज द मैन, हु द गर्ल, कि आदमी कौन है या फिर लड़की, मतलब औरत कौन है, लड़की कौन है. ऑल सेक्स एसेसरीज बीइंग नो इंडिकेशन, क्योंकि सेक्स से संबंधित जो अन्य सहायक वस्तुएं हैं कोई निर्देश नहीं देती है, कोई इशारा नहीं देती है, इंडिकेशन इशारा नहीं देती है. तो इसका अर्थ है कि हम पूर्ण रूपण से, मतलब ये निर्णय नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति पुरुष है और कौन व्यक्ति स्त्री. इस पोएम में पोइटेस ने ये एक समस्या जो है वो अपनी कविता के माध्यम से रखी है. आगे है, इज शी ए मेल हु विद फ्रेल हैंड्स क्लैप्स मी टू हर ब्रेस्ट वाइल द साइलेंस इन हर सिक रूम. कि जो पोइटेस है वो कहती है कि अपना डाउट एक्सप्रेस करती है कि जो सेक्स से संबंधित अन्य सहायक जो वस्तुएं हैं वो सेक्स के बारे में कोई निर्देश नहीं देती है, तो प्रश्न करती है कि वो क्या एक पुरुष है. हु विद फ्रेलैंड, जो वीक, अपने वीक हाथों से क्लैप्स मी, मुझे पकड़ता है टू हर ब्रेस्ट, उसके चेस्ट पर, वाइल साइलेंस इन हर सिक रूम. और उनके जो सिक रूम, बीमारी वाले रूम में साइलेंस रहती है, टर्निंग एलोक्वेंट, वो एकदम से एलोक्वेंट में चेंज हो जाता है. एक्यूजेस मी ऑफ इनग्रेटिट्यूड, और मेरे ऊपर
कृतज्ञता का दोष लगाती है। एंड इज ही फीमेल, और यदि वो पुरुष फीमेल है, हु आफ्टर लव, जो प्रेम के बाद स्मूथ आउट द बेड शीट्स विद फ्रिनिकी हैंड्स, जो स्मूथ आउट मतलब ठीक करता है, करती है बेडशीट को अपने अटेंटिव हैंड से, फ्रिनिकी हैंड अपने अटेंटिव हैंड से, एंड प्लक्स रिमूव करती है फ्रॉम प्लोज, प्लोज से स्टैंड्स ऑफ हेयर को, जो उलझे हुए हेयर हैं उनको प्लक करती है प्लो से। हाउ वेल आई कैन सी हिम, मैं जो पोइटस है वो कहती है, वो अपने मेल एंड फीमेल के जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उनके बारे में अपना संदेह व्यक्त करते हुए पूछती है कि वे उन बातों को भी स्पष्टता से व्यक्त करती है जो समाज में व्यक्त करने लायक नहीं समझी जाती है। हाउ वेल आई सी हिम आफ्टर ए मर्डर, अब यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती है कि प्रेमाचार के पश्चात मैं उसे देखती हूँ, आफ्टर मर्डर, जो जैसे कि एक मर्डर करने के पश्चात कॉन्शियसली टाइड अप द सीन, जो सच्चे मन से टाइड अप का मतलब ठीक करना, ठीक करता है उस दृश्य को, सीन को, वॉश द ब्लड स्टेन्स अंडर फोनेट, और खून जल नल के पानी के नीचे खून के धब्बों को धोता है, वरी द नाइफ, और जो चाकू है उसको ज़मीन में गाड़ देता है, एंड वॉट एम आई इंसेक्ट्स हु शटल्स ऑब्सेसिवली फ्रॉम हिज स्टेप्स टू रिकवरी इन हर स्मॉल साइलेंट रूम, और मैं, वो जो पोइटेस है वो कह रही है कि वो अब वो नहीं जानती कि उसे क्या करना है, और उस स्टेप्स मतलब चोट, उस चोट से उबरने के लिए वो इधर उधर उस शांत रूम में घूमती है, भी ये नहीं जानती कि इन जो चोटों के स्टेप्स हैं इनके प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया कैसे दिखाएं। उन्हें जो पोइटेस हैं उनको वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऐसे प्रेमाचार के माध्यम से किसी भी भावात्मक जो भावनात्मक अभिव्यक्ति को पाने में असफल रहती है। इस प्रकार से जो पोइटेस है वो अपने इस मेल एंड फीमेल के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में अपनी थॉट्स को इस पोएम में एक्सप्रेस करती है, और ये पोएम फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।